और अब जब सब लोग पकड़े जा रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, अब स्वाभाविक है क्योंकि ये सारे लोग, इतनी सारी जो गड़बड़ी हुई, आपने देखा कि एक दलाल के घर में दो दो AK-47 मिलता है। तो भाई अगर जो सीएम की सिक्योरिटी में जो कांस्टेबल जो पदस्थापित है AK-47 के साथ, उस कांस्टेबल की AK-47 एक दूसरे व्यक्ति के यहां कैसे मिलेगा? अगर वो मिलता है तो या तो गलत है, या तो ये गलत है, या तो वो गलत है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री से भी ये लोग प्रभावशाली है, अपने ढंग से सत्ता को चलाना चाह रहे और चला रहे, तो इसका कीमत तो मुख्यमंत्री को चुकाना ही पड़ेगी, उसकी जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। और आज आपने देखा कि जब ईडी ने उनको सम्मान किया, पूछताछ के लिए उनको चिट्ठी भेजा, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अब वो कह रहे कि भाई हम आदिवासी हैं। भाई आदिवासी हैं तो आदिवासी को झारखंड को लूटने की उनको कोई लाइसेंस तो नहीं मिला है, उनको सरकार चलाने का लाइसेंस भी जनता ने उनको दिया है मैंडेट, अब सरकार चलाइए। ये जितनी जो प्रॉपर्टी है, प्राकृतिक संपदा है, सरकार तो एक कस्टोडियन होता है, उसको ठीक प्रकार से आप चलाइए। लेकिन आप अगर इसको लुटाइएगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती है, आंदोलन करेगी, जनता भी चुप नहीं रहेगी। अब उनको आदिवासी याद आ रहा है, भाई कौन से आदिवासी, लूटा तो इन लोगों ने, कौन लूटा है? उन लोगों का नाम आप सबको पता है, कौन कौन लोग जेल में है, कौन सा वो गरीब है। तो ये जो आज इस प्रकार की स्थिति, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कैसे धमकी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को कानून का पालन करना चाहिए। और ये जो धमकी देना कि भाई कोई जुलूस प्रदर्शन करेगा, देखना कौन है वहां पर बैठे उसके हम ये करेंगे, भाई हर कोई जानता है कि 3 वर्षों से क्या कर रहे हैं किस प्रकार से। और हमने यही बात बार बार हम कहते रहे, भाई जिसका काम था, पुलिस प्रशासन का काम था अपराधियों को पकड़ना, गलत कर रहे उसको पकड़ना, उसको सजा देना, लेकिन ये काम ना करवा करके इनको टूल की तरह यूज करते थे। सरकार के विरोध में अगर कोई आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर तरह तरह के केस में उसको फंसा देना, किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे देवघर हो, चाहे रांची हो, चाहे संथाल प्रकरण हो, हम तो एक एक केस, चूंकि यहां वही उन केसों की मैं अभी उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, जब मौका मिलेगा तो मैं जरूर उल्लेख करूंगा। भाई जिन लोगों ने सरकार को लीक करके देते हैं, थाना को लीक के देते हैं, सीओ को लीक करके देते हैं, डीसी को लीक करके देते हैं, ये गड़बड़ी हुआ है, उस पर कार्रवाई नहीं करते, कार्रवाई बल्कि उन लोगों के ऊपर जो कंप्लेनर होते हैं उनके ऊपर तरह तरह के केस करके उनको फंसा देना, चाहे वो जेल में डाल देना, ये काम हो गया फितरत इनका। भाई अब ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। और लोकतंत्र में जो कानून है उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए। और मैं तो आज कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, याद करिए आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जब मुख्यमंत्री थे उस समय क्या कहते हैं ATS, क्या बोलते हैं उसको, SIT के सामने 10-10 घंटा तक उनको पूछताछ हुई है, कोई ऐसा थोड़ा है। कभी कोई मोदी जी ने तो कभी कोई ये नहीं कहा कि भाई हम नहीं जाएंगे, नहीं ये करेंगे। और सदैव लोगों ने कानून का पालन किया है। बीजेपी के कोई लीडर आप याद करिए, मैं तो उन आडवाणी जी का भी याद करिए, उस समय उनके ऊपर छोटा सा करप्शन का आरोप लगा, पार्लियामेंट से रिजाइन दे करके चले गए, उन्होंने कहा कि दोष मुक्त होंगे तभी हम पार्लियामेंट पर कदम रखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर हमेशा कानूनों का पालन किया है। और आज अगर ये करप्शन में बुरी तरह से डूबे हुए हैं, लूट रहे हैं राज्य को, तो इनसे तो पूछताछ होगी ही। और हमने तो कहा कि भाई हमने जब पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, हम तो कहते हैं कि भाई ईडी को पूछना चाहिए इनको। भाई अगर हमने 1.5 साल पहले पत्र लिखा था कि साहेबगंज गंगा में किस प्रकार से वहां पर पत्थर का इलीगल माइनिंग हो रहा है,
आखिर इन मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं किया। तो ये जो स्थिति है, पूरे लूट जिसको बोलते हैं मचाए हुए हैं, और आज उनको आदिवासी याद आ रहा है, वो लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, बीजेपी के वर्करों को धमकी दे रहे हैं। भाई बीजेपी के वर्कर तो लोकतंत्र तरीके से आंदोलन करती रही, आज से नहीं वर्षों से करती रही है। किसी के जमाने में कोई कभी हम लोग कोई डरे नहीं और उससे कोई विचलित नहीं हुए, और इसलिए हम कहेंगे कि विनम्र होकर के हेमंत सोरेन जी को ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, और नहीं तो उन्हीं के सहयोगी दल के एक लीडर का आप देख रहे होंगे ना, वो भी इसी प्रकार से बोलते थे। उसका हश्र अभी तक वो जेल यात्रा, जेल से अंदर जेल से बाहर यही होते रहता है अंदर बाहर। तो आगे इनके साथ भी यही ना हो जाए। तो इसलिए आज जो जिस ढंग से उन्होंने धमकी दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि लोकतंत्र की मर्यादा से वो बाहर जा रहे हैं। भाई इसको ध्यान रखना चाहिए उनको। भाई संवैधानिक के पद पर बैठ करके अगर ये आह्वान करना, तो उन लोगों को सूची बनाना, उनको चिन्हित करना। भाई सूची बनाना क्या, हम ही लोगों को कह दे कि भाई कौन कौन लोग कहाँ रहे, हम ही लोग वीडियो बना करके भेज देंगे सीएमओ को, कौन सी उसमें बड़ी बात है। आजकल तो सब मीडिया वालों तो सब जगह रहते ही हैं। अब 7 तारीख से हमारा सारे ब्लॉकों में धरना प्रदर्शन होने वाला है। अब उतना इनको काहे मशक्कत कर रहे हैं अपने वर्करों को, मीडिया वालों से ही मंगा ले, सब लोग तो दिखाते ही हैं सूची। और आप लोग भी कहेंगे कि इस बार आप लोग थोड़ा सा धूम धड़ाका से अखबार में भी छापिए, ताकि हेमंत सोरेन के पास रोज पहुंचे, हम सब लोगों का फोटो, हमारे वर्करों का फोटो देखेंगे वो क्या करते हैं कार्यकर्ताओं।